हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अन्नपूर्णा रसोई। तो इस लॉकडाउन में हम अपने घर में ही बनाएंगे बिल्कुल बाहर जैसे दाल पकवान, जो कि बहुत सिंपल रेसिपी है और इसके सारे इंग्रेडिएंट्स आपके घर में ही अवेलेबल होंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ ली है 300 ग्राम यानी कि 1.5 कप चने की दाल, जिसको मैंने 5 से 6 घंटे पहले भिगा दिया था। अब इसको मैं कुकर में ट्रांसफर कर रही हूँ। इसमें हम कम से कम 4 कप के अकॉर्डिंग पानी डालेंगे। एक चम्मच अपना इसमें नमक डाल देंगे और 1/3 टेबल स्पून इसमें अपनी हल्दी पाउडर। अब इसमें हम 3 सीटियां लगाएंगे। पकवान के डो बनाने के लिए हम सबसे पहले 3 कप मैदा लेंगे। अब इसमें 1/2 चम्मच अजवाइन डाल देंगे। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक डाल देंगे और 1/2 कप इसमें हम तेल डाल देंगे। अब इन सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमें इसका जो डो है वो ना ही ज्यादा सॉफ्ट रखना है ना ही ज्यादा हार्ड, तो हमें इसका डो बीच का सा रखना है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक इसका डो बना लेंगे। याद रखिएगा, मैं आपको एक बार फिर से बता रही हूँ, इसका डो जो है हमें ना ही ज्यादा सॉफ्ट रखना है ना ही ज्यादा हार्ड। तो आप देख सकते हैं मेरा आटा लगभग गूंद चुका है। अब इसको मैं साइड में रख दूंगी, ये दाल चेक कर लेते हैं। जब तक 3 सीटियां लगाने के बाद हमारी दाल कुछ इस तरह से लग रही है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है। अब इसे हम एक बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। अब एक पैन में हम 1 बड़ा चम्मच तेल डालेंगे। तेल के गर्म होने के बाद उसमें 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे। जीरे के चटकने के बाद हम इसमें 1 बड़ा चम्मच जिंजर डालेंगे ग्रेटेड की हुई। अब इसमें हम 5 से 6 लंबी कटी हुई हरी मिर्च ऐड कर देंगे। अच्छी तरह सौते कर लेंगे इसको। फिर इसमें 1 टमाटर डालेंगे बारीक चॉप किया हुआ। जब हमारे टमाटर सॉफ्ट हो जाए तब हमें इसमें 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डालना है और 1.5 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच इसमें लाल मिर्च पाउडर डालना है और 1 पिंच हींग। इन सभी चीजों को हमें अच्छी तरह से मिला लेना है। अब मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ ताकि जो हमारा मसाला है वो जले ना। टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसको इसमें अपना नमक डालना है। अब देखिए तेल ऊपर आ चुका है, मतलब जो हमारा मसाला है वो अच्छी तरह से भुन चुका है। अब इसमें अपनी दाल डालेंगे। दाल डालने से पहले हम एक कटोरी में 3 से 4 चम्मच दाल निकाल लेंगे और उसको अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। ये चीज जो है वो हमारी दाल को एक परफेक्ट थिकनेस देगी और हमारी दाल का जो टेक्सचर है वो मेंटेन करेगी। अब हमें इसके पानी के साथ ही इस मसाले में डाल देना है, फिर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ऊपर नीचे। अब इसमें हम वो दाल डाल देंगे जो हमने मैश करी थी कटोरी में। तो बस इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और यहाँ हम अपनी गैस ऑफ कर देंगे क्योंकि हमारी दाल बिल्कुल अच्छी तरह से बन चुकी है। अपने डो को भी हम दोबारा से हल्का सा नीट कर लेंगे। फिर इसमें से हम छोटी छोटी बॉल्स निकालेंगे। जितने साइज का आपको अपना पकवान रखना है उतने साइज की आप बॉल निकालिए। अब इन सभी की हम लोइयां बना लेंगे। अब हम इसको बेल लेंगे और जो इसकी थिकनेस है वो रोटी से थोड़ी सी मोटी रखनी है बस। अब ये बेल चुका है तो अब हम एक फोक की हेल्प से इसमें छेद कर देंगे जिससे कि ये फूल ना जाए। इसको हम साइड में रख देंगे और इसी तरह से हम दूसरा भी इसी तरह बेलेंगे। याद रखिएगा, जो उसकी थिकनेस है वो रोटी से थोड़ी मोटी ही होनी चाहिए। फिर बेलने के बाद इसमें भी हमें फोक की हेल्प से छेद कर देंगे। आप चाहे तो किसी नोकदार चाकू से भी इसमें छेद कर सकते हैं। देखिए मैंने इन सबको रेडी कर लिया है और मेरा तेल भी
लगभग गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ। स्टार्टिंग में हमें जो उसकी फ्लेम है वो कम ही रखनी है। जब ये थोड़ा सिकने लग जाए तब हमें इसकी गैस को थोड़ा सा हाई कर देना है। इसे हमें तब तक फ्राई करना है जब तक ये दोनों तरफ से ही गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। देखिए अभी अच्छी तरह से सिक चुका है, इसलिए मैं इसको निकाल रही हूँ। दूसरा वाला भी हमें इसी तरह से रखना है। याद रखिएगा स्टार्ट में हमारी जो फ्लेम है वो बिल्कुल लो रहेगी और जब ये सिकने लग जाए तब हम इसकी गैस को थोड़ा सा हाई कर देंगे। ये भी दोनों तरफ से ही गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अब मैं इसको भी निकाल लूंगी। बाकी सारे भी हमें इसी तरह से ही सेकने हैं। अब हम अपनी दाल को सर्व करेंगे। सर्व करने के बाद इसमें हम कुछ चॉप किए हुए ऑनियंस, धनिया और लेमन जूस और कुछ ग्रीन चटनी से गार्निश कर देंगे। लीजिए हमारे दाल पकवान बिल्कुल रेडी है बनके। प्लीज मेरी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और ट्राई करने के बाद अपना फीडबैक मेरे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।